चलंतु आज आम बनवा होटल स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप देखिपे केलरफुल देखा यही सूप पीवाक भी बहुत ही भल लगी था। नमस्कार स्वागतिकास कुकिंग डायरी को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज आम बनवा स्वीट कॉर्न सूप माने मीठा मकार सूप हेले ता पूर्व आपण माने प्लीज मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सब्सक्राइब कला परे पाखे के बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ताले आपण मानको को नवा नवा वीडियो रो नोटिफिकेशन मिलि जइबो। जदी आज रो वीडियो नि भलो लागे ताले लाइक शेयर कमेंट करी जणा पे जा मानको लिबेला। स्वीट कॉर्न सूप बनवाई प्रथम मुझे अधा गिना स्वीट कॉर्न को नहीं कॉर्न टी फ्रोजन अटे आपड़ चाहिए फ्रेश भी नहीं पारे। जदि फ्रेश स्वीट कॉर्न नेउचंती भल भाव बॉइल करदे एवं एथिरे 2 टेबल स्पून पानी को देवा पानी देला चिकन कर ग्राइंडिंग करदे। देखिपे मुझे केत भल भाव ग्राइंडिंग करदे जदि एथिरे आपको लगुवे कि खदड़ा अंश अच्छी तेल आपड़ चा छणा साहय भाव चलईदे। एबे आमर स्वीट कॉर्न प्यूरी रेडी हो जाइछि। स्वीट कॉर्न सूप बनाबा प्रथम पैन टी गरम करबा। पैन टी गरम हो गला परे सेथरे आमे पानी नबा। मो एठी एही कप रे मापी करी 2.5 कप पानी को नेइछि पाखा पाखी आधा लीटर हेबो। आजिर एही सूप टी 5 रु 6 जण आराम से पी परिबे। पानी फुटी गला परे सेथरे गाजर ओ बीन्स को पकेबा। देखि परतुए मो केते छोट छोट करी काटिछि। जेहेतु एटा स्वीट कॉर्न सूप से स्वीट कॉर्न रो क्वांटिटी अधिका रहबो एथिरे मु पाखा पाखी 1.5 किना स्वीट कॉर्न को देउची। एबे एहाको भलाबरे फुटिबा पई छाडी देबा। एबे एथिरे स्वाद अनुसार लुणा को देबा। गाजर बीन्स को हाफ बॉइल करबे पूरा बॉइल करबे नाही। हाफ बॉइल करबा द्वारा जेतरा आमे सूप को पीबा एहा आमा पाटी को क्रंची लागिबो। देखि परते केते भलाबरे फुटि गलाणी। एबे एथिरे आगरो प्रस्तुत करी रखीतिबा कॉर्न प्यूरी को देबा। एका सांगरे प्यूरी को देबे नाही अल्प अल्प करि देबे ओ एहा को भल भाव गोळेबे नहले एथिरे लम्स आसी जिवो। एबे एहा को 5 मिनिट पई मीडियम रो हाई फ्लेम रे फुटिबा को छाडी देबा। सूप रे स्वीटनेस राबा पई एथिरे मो 2 टीस्पून चीनी को देउची। जदि सूप को आपण छोट छुआ मानक पई प्रस्तुत करछन ताले एथिरे गोलमरीच देबे नै नहले आपण आपणक स्वाद अनुसार गोलमरीचर गुंडर परिमाण को कम कि बेसी करि परिबे। मु एथिरे 1 टेबल स्पून गोलमरीचर गुंड को देउची। ठंडा दिन हो कि बर्षा दिन हो कि आपणक ठंडा हेइ थाउ एही सूप रे गोलमरीच देबा द्वारा आपण जेतेबेले हाकु पीबे आपणक गळा को आराम मिलिबो। एबे एहा को भल भाव गोल देवा। देखि परतो केते बढ़िया फुटुचे आमर सूप टी। एबे एही सूप रे देखुथबे ऊपर किछि फेणो आसुचि एहा को थरे बाहर कर देबे। थरे बाहर कर सला परे आउ आसीबो नै आमे जो एथिरे कॉर्न रो प्यूरी देथिले ना सेति पई एही फेणो बाहरुचि। एबे आमर सूप टी रेडी हो जाइछि। देखि परथिबे केते बढ़िया कलर आसी जाइछि। एही सूप को बनाया पई पाखापाखी 10 मिनिट लागिला। आपण चाहिले एही टाइम रे भी सूप टी को सर्व करि परिबे। जदि आपण होटल स्टाइल रो सूप चाहौचंदी ताले एथिरे किछि थिकनेस आनिबा को पड़िबो। सेति पई एबे आमे गोटे बाउल रे 1 टेबल स्पून पाखापाखी कॉर्नफ्लोर को नबा। एबे एथिरे अल्प पानी को मिसेबा। आपणक सूप रो क्वांटिटी अनुसार कॉर्नफ्लोर रो क्वांटिटी कम कि बेसी भी करि परिबे। एबे एथिरे पानी देला परे भल भाबरे गोळेइ देबा जेपरि एथिरे कोनोसी प्रकार लम्स न रुए। एबे एहा को अल्प अल्प करी सूप रे दबा एका सांगरे देबे नाही। कॉर्नफ्लोर रो पानी को देला परे सांगे सांगे गोळेइ देबे नहले सूप रे लम्स आसी जिवो। देखि परतु मु किभळे आबे कॉर्नफ्लोर रो पानी को सूप रे मिसौची। एबे एहा को 5 मिनिट पई लो रु मीडियम फ्लेम पई फुटिबा को छाडी दबा। एहा को फुटेबा निहाती दरकार नहले कॉर्नफ्लोर रो स्मेल जिवो नाही। एहा को फुटेला बेले गैस रो फ्लेम को लो ही रखिबे नहले हमर सूप रो तळटी लागि जिवार बहुत ही चांस थाए। सूप रे होटल टेस्ट आने शेष 1 टेबल स्पून पाखापाखी बटर को देबे। स्वीट कॉर्न और बटर कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्ट लगी था। जदि आपन को बटर पसंद नहीं ताला आपने बटर को स्किप भी करी परिबे। एबे बटर मेल्ट हेला पर्यंत फुटे दबा और शेष धनिया पत्र दे दबा। एबे आमर सूप टी रेडी जाइछि। एबे एहा को सर्विंग बाउल रे सर्व करिबा।
ଏବେ ଆମର ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲର ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ସୁପ୍। ଏହି ସୁପ୍କୁ ପିଇଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ବିନ୍ସ ଗାଜର ଆଉ ଆମର ସୁଇଟ୍ କର୍ନର କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଆମ ପାଟିକୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଗୋଲମରିଚ ବି ଆମ ଗଳାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପରି ରେସିପିମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।